मेरे सोना से, मेरे जानो से। सो हेलो टू एवरीवन, दिस इज निशान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल का सबसे अनोइंग सॉन्ग। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। नहीं, बस इतना ही है। इसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले इसके हम ओरिजिनल सॉन्ग की बात करते हैं। तो आजकल भोजपुरी सुपरस्टार भी क्रिएटिव होते जा रहे हैं। नहीं, पहले भी क्रिएटिव थे, लेकिन वो लोग भी अब चोली और ढोली से निकलकर बाहर आ रहे हैं। वो लोग भी अब नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, मतलब कि भोजपुरी स्टार अब हिंदी में गाने बनाने लगे हैं। अरे वसूली बोल रहा हूँ तेरा बाप। तो इसकी इस ओरिजिनल सॉन्ग को हम एक सेकंड के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम भोजपुरी से हिंदी के गाने फटते देख चुके हैं, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ये। तो अब बात करते हैं हम इसके रैप वर्जन की, जिसे सुनने के बाद मैं पहले फुर्सत में ही रैप कम्युनिटी हनी सिंह, हैमी वे, रफ्तार और बादशाह को श्रद्धांजलि दे रहा है पूरी श्रद्धा के साथ। लॉन्डो का ताली बजाने का लय देख रहे हो ना, साफ पता चलता है कि इससे पहले ये लोग इंडियन रेलवे में अपनी पूरी शिद्दत के साथ सेवा दे चुके हैं। पहले जब लोग बोलते थे ना कि टिकटॉकर छक्के होते हैं, तो मुझे लगता था कि मजाक कर रहा है, या फिर हो सकता है कि ये हमारे फेवरेट टिकटॉकर से जलते हो तो ऐसी बकचोदी कर रहे हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये बात प्रूफ हो जाती है कि या तो लॉन्डो टिकटॉक पर जाकर छक्के हो रहे हैं, या टिकटॉक पर जाने के लिए छक्के हो रहे हैं। तो देखा बच्चों, टिकटॉक पर वीडियो बनाना कितना आसान है। पहले फेस पे मेकअप की जगह पे नेरोलैक पेंट पोतना है, फिर उस रिंग लाइट को निकालना है जो तुमने अपने पियक्कर बाप के दारू की खाली बोतलें बेचकर खरीदी थी, ताकि आंख में वो गोल वाला चकड़ी दिख सके। और हाँ, स्मार्टफोन तो होगा ही तुम्हारे पास, तो ये सब तो हो गई टिकटॉक बनाने की सामग्री। अब बात करते हैं टिकटॉक बनाने की विधि की। तो कुछ नहीं करना है, कोई भी वायरल डायलॉग, सॉन्ग अथवा रैप उठाना और उस पर लिप सिंक करना, और हर लाइन के साथ बिना मतलब के आंख मारना है। बन गई तुम्हारी टिकटॉक वीडियो। तो कुछ इसी तरह हमारे फेवरेट टिकटॉकर बनते हैं स्टार। उसके बाद फिर यही लोग कहते हैं, वी आर क्रिएटिव, वी आर क्रिएटर, वी वांट ऑस्कर। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। तो देखो चचा, आप इन सब में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हो, तो हमें आपसे उम्मीदें भी ज्यादा है। मैं आपकी इस अदाकारी को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जिस उम्र में बुड्ढा चार ट्राउजर, तीन स्वेटर, दो जैकेट और एक कम्बल लौट के पूरे दिन आग के सामने बैठ रहे थे, उस उम्र में भी आपको मुजरे का शौक है। तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहूंगा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो यार, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को भी दबा दो। और हाँ यार, पिछले मेरे कुछ वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे सजेशन आए, सो थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसे ही आगे बताते रहो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, सो थैंक यू वेरी मच। तो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।